नमस्कार दर्शकों, मैं अक्सावीद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग सुपरफास्ट में, जहां हम देखेंगे दिन की कुछ हल्की फुल्की खबरें जिससे देख आपका दिन बन जाए। तो आइए देखते हैं। विवादित सीन पर डायरेक्टर अयान मुखर्जी बोले, रणवीर ने जूते पहनकर मंदिर में नहीं किया प्रवेश, वो दुर्गा पूजा पंडाल था। एक्टर रणवीर कपूर की अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही इसके एक सीन को लेकर रणवीर कपूर और मेकर्स को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, फिल्म को बॉयकॉट करने की भी मांग की जा रही है। दरअसल जिस सीन को लेकर रणवीर के ट्रोल किया जा रहा है, उसमें वो जूते पहनकर मंदिर के अंदर जाते नजर आ रहे हैं। अब हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने इस सीन को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है, सफाई दी है और बताया कि रणवीर ने जूते क्यों पहने। रणवीर मंदिर में नहीं बल्कि दुर्गा पूजा पंडाल में जूते पहने हुए थे। अयान मुखर्जी ने पोस्ट शेयर कर लिखा, कुछ लोग थे जो हमारे ट्रेलर में एक सीन के कारण परेशान थे, जिसमें रणवीर का किरदार जूते पहने हुए है। इस फिल्म के निर्माता के रूप में आपको बताना चाहता हूं कि हमारी फिल्म में रणवीर मंदिर में नहीं है बल्कि दुर्गा पूजा पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं। मेरा अपना परिवार इसी तरह के दुर्गा पूजा समारोह का आयोजन 75 सालों से करता आ रहा है। मैं बचपन से इसका हिस्सा रहा हूँ। मैं अपने अनुभव में, हम सिर्फ देवी की मंच पर जाने से पहले अपने जूते उतारते हैं, ना कि जब आप पंडाल में प्रवेश करते हैं। लगातार पांचवें दिन 12,000 से ज्यादा कोरोना केस, देश में 12,781 नए मरीज मिले, 4,000 अकेले महाराष्ट्र में, 18 की मौत। देश में कोरोना केस लगातार इजाफा हो रहा है। रविवार को 12,781 नए संक्रमित के मामले सामने आए हैं, 18 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। अभी 76,700 का इलाज चल रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा 4,004 मरीज मिले हैं। 3,376 नए संक्रमितों के साथ केरल दूसरे नंबर पर है। देश में एक दिन पहले ही शनिवार को 12,899 जबकि शुक्रवार को 13,216 केस मिले थे। बीते 7 दिनों में ही 66,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 4,004 केस मिले। महाराष्ट्र में 3,000 से भी ज्यादा कोरोना मामले लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 23,776 और पॉजिटिव रेट 9.57% पाया गया। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 4,400 मामले सामने आए हैं। शनिवार को महाराष्ट्र में 3,823 और केरल में 3,253 नए कोरोना केस दर्ज किए जा चुके हैं। अग्निपंथ विरोध, बीजेपी के लिए बन सकती है अग्निपंथ योजना मुसीबत। आजमगढ़ से संगरूर उपचुनाव की बढ़ाई मुश्किलें। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही अग्निपंथ योजना को लेकर आगमनी 23 जून को होने वाले लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव को साधने की कोशिश की हो, लेकिन देश भर में कई हिस्सों में हो रहे जबरदस्त विरोध ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। गौरतलब है कि 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर आगमनी 23 जून को मतदान होना है। इसी बीच बीजेपी ने अग्निपंथ स्कीम को लेकर देश में के युवाओं को संदेश देना चाहा था कि सरकार उनके भविष्य का ख्याल रखती है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही रोजगार के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। हालांकि बीजेपी को ये दाव अब उल्टा ही पड़ चुका है। जिन राज्यों में हाल ही में उपचुनाव होने जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि वहां से काफी तादाद में युवा सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अग्निपंथ योजना को लेकर सेना में जाने की तैयारी करने वाले युवक काफी आक्रोशित हैं, जिसके खिलाफ यूपी बिहार समेत देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन भी हो रहे हैं। यहाँ तक कि कई ट्रेनों में युवाओं ने प्रदर्शन के दौरान आग लगा दी है, जिससे कई ट्रेन जलकर राख भी हो गई है। जानकारों की माने तो आगमनी उपचुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। यहां तक कि अग्निपंथ योजना को लेकर अब से विवाद के बाद बीजेपी के उपचुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये थी आज की खबरें। तो आज की इन खबरों को यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही खबरें के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एमएनएस न्यूज पर।